दोनों मूवी देखी आपने? यस भाई, थोड़ी देर पहले देखकर, बहुत ही शानदार पिक्चर सर, क्या ही मतलब मूवी में क्या खास लगा आपको? मतलब कहानी यार क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक नंबर की, मतलब कि ऐसा नहीं कि ऐसी टॉपिक पे फिल्में नहीं आई, ऐसी टॉपिक पे हमेशा से फिल्में आई बॉलीवुड पे, लेकिन अभी अगर बात की जाए 2-3 सालों की, तो ऐसी फिल्म नहीं आई जो लव एंगल पे हो और आपको दिल से कनेक्ट करे, समझ रहे हो, इमोशनली कनेक्ट करती है। और इसमें थोड़ी बहुत मतलब फैमिलीज दिखाई गई हैं, फैमिली की कॉमेडी दिखाई गई है, मैच्योरिटी दिखाई गई है, उन सभी चीज़ों को भाई बहुत ही शानदार पिक्चर है। राजवीर देओल की यार एक्टिंग जो है बहुत सुपर है, क्या ही बंदे ने डेब्यूट किया है, लेकिन बात यह है कि उसको इस मतलब इस फिल्म को उतना ज़्यादा लेवल पे प्रमोट नहीं किया कि जिस लेवल पे इसको प्रमोट करना चाहिए था। अगर इसको तगड़ा प्रमोशन मिलता ना, गारंटेड है फर्स्ट डे 8 करोड़ या 7 करोड़ की ओपनिंग करता, लेकिन अभी की अगर बात करें ना, तो 50 लाख कमा ले बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 276 स्क्रीन है यार, टोटल 276, समझ रहे हो। तो ये म्यूजिक बैकग्राउंड कैसा लगा? बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा अच्छा है, और बात यह है कि इसका एक क्लाइमेक्स के दौरान एक गाना आता है, वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और इसमें पलोमा ढिल्लो करके एक एक्ट्रेस है जो इनकी को स्टार हैं, तो वो उनको भी शायद मैंने पहली बार देखा, तो उनकी एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई, नेक्स्ट लेवल मूवी है यार, इमोशनली कनेक्ट करती है, लव एंगल है टोटल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और फैमिली दिखाई गई है, और बहुत कम ऐसा होता है कि बॉलीवुड में फैमिली फैमिली वाली वैल्यू दिखाई जाती है, तो एक नंबर। इस मूवी को 5 में से कितने स्टार दें? ओके सर, थैंक यू।